सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे चैनल के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नब्बे के दशक में रियल लाइफ में धमाल मचाने वाली अभिनेत्री करिश्मा कपूर की रियल लाइफ काफी उथल पुथल से होकर गुजरी है। सबसे पहले उनकी सगाई अभिषेक बच्चन से हुई थी जो कि टूट गई थी। उसके बाद उन्होंने 2003 में संजय कपूर से शादी की मगर शादी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। शादी के कुछ साल बाद ही इन दोनों के बीच में तनातनी होने लगी। हालांकि उनके दो बच्चे हुए मगर उसके बावजूद भी करिश्मा अपने पति से दूर रहने लगी और 2014 में दोनों ने तलाक ले लिया। इसके बाद करिश्मा कपूर की नजदीकी मुंबई के बेस्ट बिजनेसमैन संदीप तोशनीवाल से बड़ी। कई बार इन दोनों को एक साथ देखा गया तभी अनुमान लगाया जाता कि शायद दोनों रिलेशनशिप में हैं। अब खबर आ रही है दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। संदीप ने अभी हाल ही में अपनी पत्नी अर्शिता से तलाक लिया है। संदीप ने अपनी पत्नी अर्शिता पर आरोप लगाया था कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और अर्शिता ने भी संदीप पर कई आरोप लगाए थे जिसके कारण उनका तलाक एक भद्दा मजाक बन गया था। अर्शिता से संदीप की दो बेटियां भी हैं। वहीं करिश्मा कपूर की भी दो बच्चे हैं। कहा जाता है कि संदीप और अर्शिता के बीच विवाह की वजह करिश्मा ही थी। खैर जो भी रही हो मगर ये साल वैसे भी बॉलीवुड के लिए शादी का साल रहा है और अब इस साल एक और शादी के लिए बॉलीवुड तैयार हो रहा है। डेली न्यूज ट्रेंड की रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे चैनल को और देखिए न्यूज कभी भी और कहीं पे भी।